Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aapka kya haal hai? Theek hu. Main bhi theek hu. Aaj chhutti. Aaj bhi chhutti. Aaj madhye kuki. Aaj wo everybody. Aaj okay. टू डेट पहले 25 पीरा और आज 27 हिमान हैप्पी बर्थडे आज देखो आज अच्छा बच्चा है लेकिन कल भी है अभी कल भी है अरे ये बताओ भी एल के जी है अच्छी है एल अच्छी है ओके अच्छा मैं आज तिल जा रहा है मैं मानो बोलो ये क्या बोला है आज भी बहुत दिल है मैं बोलो कि मानो आप प्लीज मेरा बहुत दिल है जी बीफ पकल ते जी वो अच्छा बोला वाला लेकिन बुटे बुटे पहले मैं पहले मानो वाला था पी बगल पेटी वाला हो मैं बना दूँगी लीज वाला हो ओके आओ किचन भी है मैं अलता जा रही हूँ आप देखे पी बगल के लिए अभी मैं अलता आ रही हूँ किचन भी अभी मानो शुरू कर रही है मैं आपको दिखाऊ कि मानो बोले क्या क्या है पी पगल के जी बोला है मैं आपको दिखा दी मानो ये क्या है क्या क्या राय है कीमा है बीबी बीफ का कीमा है ये अच्छा और ये है नमक ये अदरक लहसुन का पेस्ट है अच्छा ये वूस्टर शायद सॉस है ये प्याज है काली मिर्च है ब्रेड क्रम्स हैं ये है ब्रेड क्रम्स अच्छा ये है मस्टर्ड पेस्ट अच्छा ये है दो अंडे टू अंडे हाँ जी और ये है हरी मिर्च कुटी हुई अच्छा ठीक है और ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी इसको मिक्स करूँगी और इसके पैटीज बनाऊँगी और फिर उसके बाद बर्गर में उसमें बन जो है उनमें लगा के बर्गर बनेंगे तो वो फिर आपको मैं उसकी जो लास्ट वो है ना जब वो तैयार हो जाएंगे तो वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी ठीक है ये मैरिनेशन ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे ये इंग्रेडिएंट्स हैं अभी मैं देखी हूँ तैयार हो गई या नहीं देखो कीमा बीफ बगल तैयार हो गई या नहीं अभी नहीं बता अभी मैं मानो पूछूँ तैयार हुई है नहीं तैयार हुई है बीबी ये मैरिनेशन इसकी हो गई है इसकी मैरिनेशन हो गई है अब इसको रखेंगे घंटा है उसके बाद इसके पैटीज बनाएंगे और फिर इसके बर्गर बनाएंगे बर्गर बनाएंगे फिर आपको दूंगी मैं बना के बर्गर कैसा है फिर आपने बताना है कैसा बनना है ठीक है ये इसको मैंने मैरिनेट कर दिया कीमे को ठीक है
अब इसमें ये पैटी डालने लगी हूँ। अच्छा ये बर्गर तैयार हो गया आपके लिए, मैंने बर्गर बना दिया है, अब आपने खाना है और आपने मुझे बताना कि ये कैसा लगा। अच्छा बैठती कोकी बस पूरा ना खोलना, ठीक है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मनोज। अच्छा ये कौन बना रहा है केक भी इतना जो मुश्किल से मिल रहा है। बर्निंग ब्राउन और अच्छा ठीक है। क्या बात है, इस पे लड़ाई हो रही है। आप बिल्कुल लगती हो कि डोनाल्ड मैकडोनाल्ड की बहन हो। हैं? डोनाल्ड मैकडोनाल्ड। वो है ना? वो नहीं है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड नहीं है, वो है पी बकल। हाँ ये क्या? कहती है पी बकल का पाप। ये देखो। वो दिखा रखी है। मिट्टी मिट्टी अब नहीं खाने की। क्या बात है मानो ये बार ये बार। और देखें जी सारा कमाल इसमें पैटी का है और जो लोग डाइट में हैं उनको खाने की तरकीब पैटी खाएं, आधा बन खाएं, सैलेड लगाएं, ड्रेसिंग जो उन्होंने बनाई है जबरदस्त वो लगाएं और इस तरह खाएं। आज आज मानो एवरीबॉडी है, आज बहुत मजा है, ठीक और ठीक ठीक मुझे आएगा अपने और हैप्पी मकर बहुत अच्छा मानो बलाय स्पेशल मेरा पीटी की मान बलाय बहुत अच्छा। और मैं अपनी बात करी अपनी बात मेरी फैमिली ना फैमिली बाय बाय चप बहुत चप बहुत प्यार करती है लेकिन चिट्ठी चाचा वो है नहीं जात बहुत है फैमिली लेकिन चप है बहुत प्यार है और उसकी बात चाहे फैमिली ना बच्चों बच्चों वो चप ची चाचा चप प्यार करती है पापा का उबाल उबाल अरे भैया अरे बहुत झूठ है और भैया भी है चप बच्चू बहुत प्यार करती है और चपक चुचू मीना बहुत प्यार करती है चप बच्चू प्यार करती है लेकिन वो चप बाय बाय है हमारे का यूटी लेकिन यह बिल्कुल बात है लेकिन चाहे बच्चू है ना चपची चाचा प्यार है है ईमान बहुत ज़्यादा कितनी है
आना चला आना चला आना चला लाहौर मैं भी तुझी लाहौर क्या करती हूँ बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा आप बताओ आप अपना छुट्टा वही वही कैसे जैसी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी मैं मेरे अम्मी अम्मू हर साल इधर आ जाते थे और मेरी बर्थडे बीबी से क्योंकि दो दिन का फ़र्क है तो हम हमेशा साथ ही मनाते थे। पहले बहुत बड़ी सेलिब्रेशन बीबी की बर्थडे की होती थी फिर एक दिन बाद मेरी बर्थडे की होती थी और इत्तेफाक की बात यह ज़्यादातर दोनों दिन चाइनीज होता था लेकिन इस साल कुछ ऐसा है कि सब रेस्टोरेंट बंद हैं और कोरोना की वजह से तो हमारा बहुत दिल था कि हम बीफ बर्गर खाएं। तो मैंने सीनियर पापा को रिक्वेस्ट की कि क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं चाइनीज़ कुजीन है इटालियन कुजीन हो जो भी आप फरमाइश करें उन्हें बनाना होता है तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बीफ बर्गर आज हमें खिलाया है। और उसके बाद इस्लामाबाद का बहुत फेमस है चीज़ केक बर्निंग ब्राउनी का वो लेके आए यहाँ पर बस थोड़ी देर बाद वो खाएँगे। और बीबी के साथ मेरी बहुत बहुत दोस्ती है क्योंकि बचपन से मैं जब मेरा दूसरा जब भी मैं यहाँ आती थी तो मेरा बहुत ज़्यादा बीबी के साथ प्यार है कि बीबी से सैर करना बीबी हमें मरी भी लेके गई है मुझे अहमदाबाद भी दिखाया और जगहों पे हम घूमे फिरे। और अच्छा वो बड़ी ज़्यादा है मानो जब वो छुट्टी है वो किच्ची खा चबाबा हुए फावे वो खड़ा खाएगा मैं कहा अच्छा बोला उठू खड़ा खाओ मैं कहा अच्छा जब मैं जा रही है नहीं मानो वो छुट्टी बिल्कुल बात में बिल्कुल है जी बिल्कुल जी बिल्कुल टॉल है ये बोले जी अच्छा बिल्कुल बात में टॉल है बोला जी आजो 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 मैं बीबी चटी हूँ आजू आजू खा रही है अभी बाकी भी हो गई ये पक्का मेरा बीटी है बहुत बिल्कुल फिट है अच्छा मैं ऐसी लगता है चटी बीबी ने बात करती है बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी बीटी है जब फैमिली जब चीज मेरी बीटी है बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे बहुत मैं बहुत बहुत अल्लाह ताला बहुत अब अकेले बहुत अच्छा अच्छा करें इंशाल्लाह आमीन। थैंक यू बीबी। और मेरा यही है कि हम जब इधर आए होते थे सारे कजन्स तो हमारा ज़्यादा उठना बैठना बीबी कमरे में ही होता था फिल्में देखते थे या कोई लूडो खेली या कोई जो भी शैतानी हमने की है हमें बीबी के ही कमरे में आके करते थे और बस फिरना बाहर जाना साइड सीइंग करना बीबी को भी बहुत शौक है बीबी खुद भी शौक से जाती है उसका दिल करता है वो लोगों को भी साथ लेके जाए और बस फिर हमारा इसी तरह बहुत अच्छा वक्त गुजरता रहा और इंशाल्लाह आगे भी गुजरेगा। और मेरा बहुत दिल है कि मैं बीबी के साथ मिलकर आगे काम भी करूँगा लोगों के लिए भी करूँ बीबी के चैनल के लिए भी करूँगा और लोगों के लिए भी करूँ और क्योंकि बीबी की सोच बहुत अच्छी है वो चाहती है कि वो जितने डिसेबल्ड लोग हैं या जितने ज़रूरतमंद हैं माशाल्लाह से बीबी करती भी है आगे भी करेगी और मैं भी बीबी के साथ छुट्टियाँ बहुत मजा आया है और मैं जी बैठी मैं का इंटरव्यू करूँ मैं का कक्षा करूँ बात करूँ एवरीबॉडी की छुट्टियाँ के जी वही करी टीचर बार बार ये थैंक यू थैंक यू बीबी मुझे आज बहुत मज़ा आया है हमारी बर्थडे की सेलिब्रेशन माशाल्लाह से हमेशा 3 दिन रहती है 25 से लेकर 27 तक। और आप अपना ख्याल करो और आप ये दुआ स्कूल करो मैं आपकी दुआ करती हूँ आप सब प्लीज़ बीबी के चैनल को लाइक भी करें शेयर भी करें और लोगों को भी बताएं क्योंकि वो बहुत सी फ़ायदे वाली चीज़ें भी बताती हैं और चीज़ें